क्या आप भी प्रेग्नेंट ना हो तो ये भी प्रेग्नेंट दिखाई देते हैं लोग आपसे पूछते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा मन चल रहा है और जिसके बाद आप बहुत ज्यादा एम्बेस फील करते हैं क्योंकि आपका जो बेली है आफ्टर डिलीवरी वो बहुत ज्यादा निकला रह गया है या फिर नॉर्मली आपका जो बेली है वो बहुत ज्यादा लटक गया है हैंगिंग बैली हो गया है लोअर अब बहुत ज्यादा बाहर आ गया है और इसको आप कम करना चाहते हैं तो आज की एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्योंकि बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालेंगे आपकी कोर पर आपकी बैली पर जिससे आप अपने पोस्टमार्टम बेली चाहे आपका बेली फैट हो उसको इजीली आप बर्न कर सकते हैं वहां के फैट को और अपने आप को बिल्कुल फिट बना सकते हो तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड तो आज की एक्सरसाइजेज में एक्सरसाइज में हम यूज करने वाले हैं ये बैट जैसे हम रेजिस्टेंस बैंड बोलते हैं ये इजिली कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएगा आपके पास है तो ठीक है नहीं है तो इट्स ओके okay, आप विदाउट बेल्ट के भी कर सकते हैं तो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है लीट जाना है और जैसा कि मैं जितनी भी एक्सरसाइज बताती हूँ उसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है घर पर रहकर घर पर बैठे बैठे आप इजीली इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हो तो फ तो अब आपको क्या करना है अपने बेल्ट को इस तरीके से रखना है इस पैर को आप इसी तरीके से रखिएगा इसको आपको अच्छे से अपनी तरफ खींचना है एल्बो को अपने मैट पे प्लेस कर लेंगे ताकि ये बार बार इधर उधर मूव नहीं हो तो अब आपको डाउन एंड अप डाउन एंड अप डाउन अप फोर फाइव अपने कोर को बिल्कुल टाइट रखिएगा लेग आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए सेवन Eight, nine, ten. रिलैक्स इसी तरीके से आपको इसको दोनों साइड से फोर्टी फोर्टी टाइम्स करना है और थ्री राउंड कंप्लीट करने हैं नेक्स्ट आपको अपने दोनों पैर को इस तरीके से दोनों पैरों में इस तरीके से बेल्ट को लगा देना है हाथ को वापस से वही प्लेस करना है और एक पैर को इस तरीके से स्ट्रेच करिएगा लाइक दिस देन दिस लाइक दिस दिस वन बाय वन फोर फाइव सिक्स आपको फोर्थ लगाना है सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स इस तरीके से आप इसको फोर्टी टाइम्स खींचे और इसके आपको थ्री राउंड कंप्लीट करने हैं नेक्स्ट आपको सेम करना भी हमने एक एक पैर से किया था अब आपको दोनों पैर से लाइक like दिस इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर लेंगे अपने एल्बो को यहाँ पे प्लेस करेंगे एंड पैरों को यहां रखेंगे जा थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन रिलैक्स इस तरीके से इसको आपको थर्टी टाइम्स करना है और इसके थ्री राउंड थ्री सेट्स कंप्लीट करने हैं यकीन मानिए ये एक्सरसाइजेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाली हैं और ऐसी और भी एक्सरसाइजेस मैंने ऑलरेडी अपनी चैनल पर पोस्ट की हुई है तो आप वहां पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं मेरी पुरानी वीडियोस में आप अपने बेली फैट हाई फैट अपना लोअर बॉडी अपर बॉडी सब कुछ आपको मिलेगा जहां का भी आप अपना फैट रिड्यूस करना चाहते हैं अपने आप को फिट बनाना चाहते हैं हेल्दी बनाना चाहते हैं तो प्लीज गो एंड चेकआउट तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट यानी कि हमारी फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ इसके लिए आपको क्या करना है अपने इस तरीके से एंड होल्ड नी को थोड़ा सा बैंड रखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना आपको हल्का सा नी बैंड रखेंगे एंड होल्ड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स इसको आपको वन मिनट तक होल्ड करना है और इसके थ्री राउंड थ्री सेट्स कंप्लीट करने हैं। बढ़ते हमारी और की तरफ, इसके लिए आपको क्या करना है? ये एंड अगेन होल्ड। यहाँ पे आपको होल्ड करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स इसको आपको थर्टी सेकेंड से लेके वन मिनट तक होल्ड करना है और इसकी थ्री राउंड थ्री सेट्स कंप्लीट करने हैं ये थी यहां तक की आज की एक्सरसाइजेस जो कि आपके पोस्टमार्टम बेली आपके लटकते तो हुए बेली और आपको एम्बेरसमेंट से बहुत ज्यादा बचाने वाली हैं तो इन एक्सरसाइजेस को जरूर कीजिए लेकिन इन एक्सरसाइजेस के साथ साथ अपनी डाइट का ध्यान रखिए कैलोरी डेफिशिएट पे चलिए कैलोरी डेफिशिएट का मतलब है कि आप अपने खाने को कंट्रोल कीजिए जो आपका पोर्शन है उसको कंट्रोल कीजिए अपना वाटर इनटेक अपनी स्लीपिंग साइकिल अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज कीजिए अपने आप को एक्टिव बनाइए कोई भी क्वेरी हो कोई भी सजेशन हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई मैसेज ड्रॉप कीजिए और अपनी क्वेरीज को वहां पे आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं तो आज की वीडियो यहीं तक थी आपको आज की एक्सरसाइजेस कैसी लगी अगर यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए शेयर कीजिए मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपना ध्यान रखिए बाय बाय